मेरी नगर तुमसे मिली, तुमसे मिली, तुमसे मिली। वाह वेरी नाइस, सुपर, क्या डिजाइन, क्या लुक है। गाइस, इसके अंदर मैंने वीडियो के अंदर ये देखा है, ये ना हमको लगता ये दुपट्टा जो होता है ना, लड़कियां दुपट्टा जो ओढ़ती हैं, न्यू लोगों के साथ एंड न्यू वीडियो भी है। तो ये है उर्फी जावेद, जैसे कपड़ों की दुनिया है, इन्हें बोला जाता है कपड़ों की दुनिया, जो स्टाइलिश कपड़े होते हैं ना सबसे पहले इनके पास आते हैं। और कैसे कपड़े आते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है सोशल मीडिया की वायरल गर्ल। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते बिना बकचोदी के साथ। तो काफी सारे लोगों का दिल टूटता है, तो दिल टूटता है तो हाथ काटते हैं एंड स्टोरियां लगाते हैं ब्रेकन का, ये का, वो का, दिल टूटने का, लेकिन दिल टूटने का कपड़ा नहीं पहनते हुए आज तक मैंने देखा है। आप लोगों को दिखा देते हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो देखिए वीडियो को। दुनिया की पहली लड़की जो ऐसे ड्रेस पहनती है, दिल तोड़ने का दिखाया है। ये मैं हीरोइन हूँ ऐसा ये साबित करना चाहती हैं, पर पब्लिक को क्या, पब्लिक तो सोच कुछ और ही रहा है। कहाँ तक समझ गए ना, ये इतने बड़े बड़े जो चश्मे होते हैं, इतने बड़े बड़े, और यहाँ तक समझ गए ना। तो हमको तो ये लग रहा है भाई साहब, इनको पब्लिक क्या कहना चाहिए, आप लोग कमेंट कर देना, बाकी मैं भी देख लूं। बाकी तो पब्लिक कमेंट में तो भर के अपना ऐसी तैसा इनका कर रहा है, लेकिन आप लोग हमारे वीडियो के अंदर क्या कहना चाहेंगे इनको बताइए। ऐसे समाज के अंदर ये क्या हो रहा है, ये हीरोइन बनना चाहती है और बनना चाहती है। तो चलिए बिना बकचोदी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और भी इनकी वीडियो है तो इस वीडियो के अंदर है, देखिएगा बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। मेरी नजर तुमसे मिली, तुम्हें तो ऐसा ड्रेस पहनी, तुम तो ऐसी हूँ वैसी हूँ, तू समझा। हाँ तो गाइस, इसके अंदर मैंने वीडियो के अंदर ये देखा है, ये ना हमको लगता है ये दुपट्टा जो होता है ना, लड़कियां दुपट्टा जो ओढ़ती हैं, मतलब ये पूरे बदन पे डाल ली है। ये कपड़े का काम नहीं, इनको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता, हमको लगता है इनका 40-50 रुपए में काम निपट जाता है, क्योंकि जो ड्रेस है ना बहुत नेक्स्ट लेवल का। पर आप लोगों को देख के कैसा लगा, मुझे तो क्या बताऊं आपको, कि आप बीच में आ गए। तो अभी इनके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं वो तो कमेंट में कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो आगे इस वीडियो को हम फटाफट तो आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर कुछ गौर किया या ध्यान से देखा या नहीं देखा, अगर देख गया तो पहले कमेंट कर दीजिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ, आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर ये देखिए, ये प्लास्टिक लगा हुआ है, क्लीन रैपर लगा हुआ है, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है क्लीन रैपर इसे बोलते, जो ये काफी सारी चीजों पे, फास्ट फूड चीजें पे लगाए देते हैं, क्लीन रैप जिसे बोलते हैं, हल्की सी प्लास्टिक होती है उसे लगा देता है, ये लपेटा हुआ है एंड यहाँ पे फूल वगैरह बना हुआ है। तो ये पहनने से इनको क्या मिल रहा है, घर में पैसे नहीं है क्या कपड़े, अरे अगल बगल से पड़ोसन से मांग लो, वो भी दे देंगे पहनने के लिए, क्यों अपना खामा खा अपनी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, दीदी बताइए आपको क्या मिल रहा है ऐसा। तो चलिए हम आपको गाली तक नहीं बकेंगे, आपको अंदर हम थोड़ा सा भी आपके बारे में कुछ नहीं कह रहे, वो तो पब्लिक जो कहेगी वो तो कहेगी, उनको तो रोक नहीं सकते हैं। तो चलिए वीडियो को और आगे भी बढ़ाते हैं।
मतलब अभी तक तो मैं सोचा था कि अभी खाली ये बाहर और कपड़े पहन के निकल रही है, तू समझा? लेकिन ऐसे कपड़े पहन के तो इवेंट पे जा रही है, शो पे जा रही है। भाई साहब दवा की आप बीच में आ गए, वरना गया इन प्यारी को। दीदी आपका ब्रांड नेक्स्ट लेवल तक का है। तो और बताइए, और भी क्या क्या आप करती होंगी, कौन से कपड़े का आप ब्रांड? नहीं 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 बोलूंगा, बाकी आप लोग समझ ही रहे हो। अच्छा ये बताइए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होता, ये आपके घर वाले रोकते नहीं ऐसे कपड़े पहनने के लिए? अगर हमारे घर में अगर मैं थोड़ा सा फट्टा पहन लेता हूँ ना, तो हमारी मम्मी क्या बोलती है, अबे पैसा दे के नहीं लाया है क्या? तो दो चार दस गालियां पड़ती हैं, आपको पता है। हाँ मेन बात घर की बात है ना, पैसे आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आगे फटाफट आगे की तरफ बढ़ाते हैं। भाई साहब इस वीडियो के अंदर मुझे तो ये वाला चीज देख, ये वाली कौन इतने बड़े बड़े चश्मे होते ना, इतने बड़े बड़े चश्मे, तो ये वाली जो फीलिंग थी, और लगता है किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रही थी, अंदर से लोगों की फीलिंग भी जगा रही थी। भाई साहब जो कैमरे वाले शूट कर रहे थे, कहीं उनको तो दिक्कत नहीं ना महसूस पहुंच रही थी, 11,000 वोल्टेज की लाइन लग जाती। मैं तो यूं होता यूं मेरे तो बाल यूं यूं है ना, ऐसे खड़े हो जाते ऐसे होके। तो चलो कोई नहीं, बढ़िया है। आपकी वीडियो देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा, मुझे तो अच्छा लग रहा, पब्लिक को क्या लग रहा? पब्लिक तो कमेंट कर रही होगी, पटापट अपना कमेंट कर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इन्हीं का वीडियो है, आगे की तरफ बढ़ाते हैं। वाह क्या सीन है। मुझे तो ये लग रहा है जो चद्दर जो जिसपे बिछाया जाता बेड ओडो पे, ये कहीं फेंका गया था, ये लपेट ली है। भाई साहब आप तो साबित जी कि आपके पास कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा ये बताइए सोशल मीडिया से कहीं से पैसे उसे आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? अगर आ जाते हैं तो उस पैसे का ढंग के कपड़े एक पहन लीजिए, एंड पैसे से बढ़ के इज्जत होता है, पता है कि नहीं आपको? तो इज्जत बचाइए, पैसा बहुत आपको आएगा। अगर पैसा रहेगा इज्जत ना रहेगा ना, तो कोई वैल्यू नहीं होगा आपका। तो वीडियो को हम ज्यादा दूर आगे नहीं बढ़ाए हैं, एंड 4-5 वीडियो ही आपका उठाए हैं। एंड अगर आप वीडियो के अंदर हम इसलिए आपको लाए हैं कि आप लोग समझ जाएं, क्योंकि ना आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए कि क्या इनके बारे में आप लोग कहना चाहते हैं, ये कैसी लग रही है। बाकी तो हम आप लोग की फीलिंग को समझ रहे हैं। तो चलिए गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट लोगों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।